तो महाकाल मंदिर दर्शन कर सारा पूरा लगिक बड़ा गणेश कहीकि इन गोटे फिर मंदिर टे अच्छे बड़ा गणेश मंदिर आदि देखा जा बड़ा गणेश मंदिर इन दर्शन तो निहाती करवा कथा निहाती करी ही फिर बाकी जान के बुली जबार कथा आम एखे दर्शन कर पकोचे मुझे चिंतामणि गणेश मंदिर ने पहुंची छे ऑटो रे इनके आसली ऑटो भाई ना के तो देख देखी थे मोर संगे से जिन जिन जगह कवर करती था पांचटा जगह पांचटा मंदिर तो स्वेट आनीता मुझे एक्सट्रा दुईटा मंदिर कहली कहीं आपण मान लगी आ मोर लगे भी सब जगह देखार कथ कवर होबार कथ कि अलग रूट जीत पड़ा पड़सी आउ शह टाँस एक्सट्रा ना तो टोटाल पर हेड 200 टकर सब जगह से कवर करवा शनि मंदिर जो नवग्रह शनि मंदिर है। अच्छा उसका पीछे कुछ कारण है क्या? ये यहाँ पे अपने जैसे अमावस्या आती है ना, हाँ स्नान होता है वहाँ पे। अच्छा नवग्रह की पूजा होती है वहाँ पे। अच्छा अच्छा तो ये का ही रीज़न है। अब तो फिलहाल नवग्रह शनि मंदिर ने मैं पहुँची छे ऑटो थी आसला बेले टिके टाइम लगा कहीं बहुत दूर थी 8 किलोमीटर के आसवा पड़ा फिर बैटरी वाला ऑटो है जहाँ भी हो पहुँची छे दर्शन कर फिर गोटे नुआ जगह नुआ मंदिर निके बाहर जमा तो एखेन आम द्वादश शनि मंदिर दर्शन कर सारा पर एखेन जाऊ भरतेरी गुफा तो उसका इतिहास क्या है भैया बोल रहे उसका इतिहास यहाँ के राजा थे विक्रमादित्य उनके भाई थे भरतराज हाँ उन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी। अच्छा वो वहाँ पे उनकी शिवलिंग की स्थापना भी की थी हाँ और वहाँ पे गुफा टाइप बनवाया था। अच्छा शिवलिंग का स्थापना की थी हाँ। अच्छा तो गुफा में तरह से शिवलिंग और स्थापना कराई है और उसका बगल में शिप्रा नदी बह के जा रही है ना। हाँ शिप्रा नदी जेनटा कि हमें बही दी पढ़ी थी ना से जो फेमस नदी बहुत बढ़िया लगे मैं आगे यूट्यूब देखी छे भरतरी गुफाटा मस्त अच्छे शिप्रा नदी है ना। अच्छा दीप चल दिया हो हाँ हाँ गेट जैसा बंधा हुआ दिख दिया हो वहाँ पे आरती होती है। ये कौन सा है? शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी उस तरफ जो आरती उस तरफ होती है ना। हाँ आरती उस साइड होती है। अच्छा शिप्रा नदी है। पचल दस पतला भाई ले ले आओ संध्या है गिलानो आओ भरतेरी गुम्फा रे खेन पहुँचली आओ जेते जल्दी हवा दर्शन करी सारला परे यस यस देखिए गुफा निके जीवार लगी हो चीटा रास्ता ये जगह ऑक्सीजन कम अच्छे आने वर्षा दिन इन्हें पैन भरी से आसनी है पूरा गरम लगी जाए आटा हूँ इटा हूँ से स्थापना कराई लिंग माँ महाकाली
तो सबे भाविथे जे ई शौचालयटा कहीं देखाली मंदिर मान तो देखो ये आनवार कहीं दरकार इटा बेसी जरूरी है कहीं जे इटा मझी मझी थी टे इनके भी दर्शन करवार लगी पड़सी आसवार लगी जरूरी पड़सी। तो अभी भिरतेरी गुफा से हम निकल के आ गए हैं। तो अभी कहाँ जा रहे हैं भैया? गढ़कालिका। इसका पीछे कुछ इतिहास है क्या भैया? इतिहास है यहाँ पे शक्तिपीठ में से है और ये गढ़ के ऊपर बैठी इसके लिए गढ़ कालिका कहते हैं इसको। अच्छा, तो अभी शाम हो गया है, उधर जाते हैं फिर दर्शन करके फिर काल भैरव के लिए हम रवाना हो जाएंगे। गढ़कालिका मंदिर ने मुझे पहुँची आओ जाए कि साई साई दर्शन कर फिर आसवाली। तो फाइनली मुई काल भैरव मंदिर ने आसिक पहुँची पाखे पंदे सब मंदिर बुली सारूँ। काल भैरव पर भी आहरी सायद अलग गोटे दुटा जगह जीवार अच्छे आ ये हूँ महाकाल सेनापति से सेनापति थे। तो से लगी महाकालेश्वर मंदिर दर्शन कला इटा दर्शन करवार निहाती जरूरी है। आदि काल भैरव दर्शन नहीं करी हेले आमर दर्शन करवाटा पूरा मना निजे आखेन राति इ जगाने बहुत भीड़ अच्छे लोग माने तांकर बिका बिका बिकी सब कर फूल फुला बाकी सब सामान। महाकालेश्वर दर्शन करवार लगी जितकी भीड़ हेले जितकी बेरी लगी एंता लगुच इने दर्शन करवार लगी बेसी भीड़ लगवा इने जिन प्रकार गोटे गोटे लाइन थी सब भीड़ बहुत भीड़ अच्छे सन्ध्या टाइम भिड़ हे जिते बिल्ली भी तरह भिड़ हे मतलब लगुच खाली दुईपर गोटे टाइम जेने जेन टाइम थी कम लोग आसते काल भैरव के दर्शन करवार लगी मद भी दि जाए मद दर्शन मदिरा शराब भी दि जाए लोग मैंने तो सेटा भी दे पार। दर्शन करवार लगी आम जाऊन प्राय अधा घंटा उपरे आम फिर भी जाऊँ आ सभी तार मैंने बम बम भोले आउ हर हर महादेव रे पूरा मैंने जगहटे पूरा गुंजी उठुचे बहुत भीड़ अच्छे बहुत एंटरटेनिंग लगुच बहुत मैंने उत्साह उमंग पूरा भरी जाइन सब एंता जेन सिचुएसन है इन लगी ही गोटे जेन बुले आसवार कि दर्शन करवार आहरी मजाटा बढ़ीसी। मत जहाँ लगुचे श्री कार भैरवर मदिरा फैंस टे बेसी अच्छे से मार्कर जोश टर्णिंग करवा प्रसाद रे भी धरीछन मदिरा उठे उठे आ मैंने जेन प्रकार मैंने कहछन जो अलग प्रकार तक फैंस बेसी अच्छे बोलो भैरव नाथ महाराज की जय। तो काल भैरव दर्शन कर सारा पर जे जदि किसी मन्नत मांगुचे कण तो ये तार जड़े बांधी पार जड़े बांधि पार्बा जेनटा चाहे जहाँ भी भितरटा पूरा मद 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 पूरा गंधी जाऊला किसी लोग बासी जाऊला भी कहे आ
एक्चुअली महाकाल मंदिर दर्शन करवार लगे इतकी बिल्ले है तार नु बेसी बिल लगला डबल बिल लगला काल भैरव दर्शन करवार लगे मोर पछे जेन दीप मालिकाटा अछे एते बढ़िया माने दीप रे सजाई छे ये जिनिसटाके मुझे देखवा लगे चाहूँगी यूट्यूब रे बहुत देखी थी और यहाँ काल भैरव मंदिर परिसर भितर ही अच्छे केते बढ़िया जना पड़छे माने दीप जलुछे पूरा केते बढ़िया लगुछे प्राय राति 8:30 बजे छे आ फाइनाली आम पहुँची गलु मंगलनाथ मंदिर ये मंगलनाथ मंदिर टा फेमस इथिला ये जे इने जेन मंगल दोष लागिथिसि हेथिर पूजा करा जिसि तो जेनता जहार मंगल दोष लागिथिसि आपन सबे जानिथिबे तो सेथिर पूजा इने प्राइस ओमकारेश्वर जाने का कितना पड़ेगा केवल जाने का एसी में सर 280 रुपए नॉन एसी 240 रुपए ओमकारेश्वर आना जाना 320 रुपए लड्डू प्रसाद 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए ओमकारेश्वर आना जाना सब जगह बोली सरला पर इन्हीं के आसी करी बस रो टिकट कर दिया है काल का इन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जीवन लगी ठीक अच्छे पूरा माने महाकालेश्वर मंदिर पाखे अच्छे जाना के भी आसी के माने टिकट करी पारवा 280 टका एसी बस 240 नॉन एसी तो जने एसी रे काई नि जीवा सखले 6:50 ते काल ट्रेन अच्छे आ वीडियो के लास्ट तक देखि थिवार लगी बहुत बहुत धन्यवाद एंता वीडियो सब के मोर लास्ट तक देखुन आ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करुन हेले मोर नेक्स्ट जेन ब्लॉग आसवा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जीवन लगी आपन सब देखि पारबे ठीक अच्छे थैंक्स फॉर वाचिंग बाय फॉर नाउ 320 रुपए